Hey guys, assalamu alaikum. That's Mehak Rubab Qadri saying hello to you all. तो जनाब आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी खास है. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाइटनिंग ऑर्गेनिक फेशियल. जी हाँ, वो भी घर पे आप कैसे कर सकते हो. 3 स्टेप का फेशियल मैं शेयर करने वाली हूँ इन प्रोडक्ट के साथ. यह है 7 हर्बल की ब्लीच क्रीम और यह है 7 हर्बल की उपटन. इन दोनों के साथ हम जो है बहुत बेहतरीन 3 स्टेप फेशियल करने वाले हैं, वो भी व्हाइटनिंग, ग्लोई और जो है ब्राइडल ग्लो वाला फेशियल. तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं. जनाब ईद आने वाली है और ईद के बाद जो है शादी का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो मैंने कहा कि एक अच्छा सा फेशियल आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको वाकई में जो है व्हाइटनिंग इफेक्ट्स मिले और कोई साइड इफेक्ट ना हो. तो जो है ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं. ये ब्लीच क्रीम जो है मैंने इंडिविजुअली यूज करके इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया था. तो ये जो है आपको एक टोन लाइट करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. तो अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो वो भी आप देख सकती हैं. सर्च बार में आपने लिखना है 7 हर्बल ब्लीच और महक ब्यूटी साथ में लिखना है तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आएगी. और इसका भी जो है मैं इंडिविजुअल रिव्यू कर चुकी हूँ. ये 7 हर्बल की उपटन है, बहुत बेहतरीन और लाजवाब उपटन है. तो अगर आपने इसका रिव्यू देखना है और उसके भी इंडिविजुअल रिजल्ट देखने हैं तो आप सर्च बार में लिखिए 7 हर्बल उपटन महक ब्यूटी, तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी. ये क्या क्लेम करता है इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दूं. ये दोनों प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन से झाइयां, छाइयां, डार्क सर्कल्स, एक्नी स्कार, हाइपरपिगमेंटेशन, एक्नी, इसके अलावा अगर आपकी स्किन लूज हो गई है, रिंकल्स हो गए हैं, तो आपके रिंकल्स को दूर करके आपकी स्किन को टाइट करेगा. आपके ओपन पोर्स हैं तो आपको जो है पोर्स को मिनिमाइज करेगा. अगर आपकी स्किन डल हो गई है, रंगत काली हो गई है, मान पड़ गई है, तो उन सब से जो है आपको निजात दिलाएगा और बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा. तो ये अपने आप में जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं. तो इसका जब हम इन दोनों को मिला के फेशियल करेंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे ये आप सोच सकते हैं. और ये सिर्फ नॉर्मल घर में लोग यूज नहीं कर सकते, अगर आपका सलोन है तो आप इसको प्रोफेशनली भी इस फेशियल को यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस फेशियल के रिजल्ट्स बहुत आला मिलेंगे. तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ हम जो है 3 स्टेप फेशियल करने वाले हैं. सबसे पहले हम जो है ये 7 हर्बल की क्रीम ब्लीच अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम जो है हमारी 7 हर्बल की उपटन अप्लाई करेंगे. इस उपटन में जो है पॉलिशिंग और स्क्रबिंग एलिमेंट्स हैं, तो हम जो है इससे मसाज, पॉलिशिंग और स्क्रबिंग तीनों एक साथ कर लेंगे. देन इसके बाद हम जो है मास्क अप्लाई करेंगे, वो भी इसी उपटन का. तो आप देखेंगे कि इस फेशियल के क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो चलिए बातें बहुत कर ली है, अब हमारा फेशियल हम शुरू करते हैं. सो जनाब आपने अपना फेस वॉश कर लेना है, देन उसके बाद अपने बालों को टाई कर लेना है. पुरानी सी कोई कमीज पहन लीजिएगा ताकि कपड़े खराब ना हो. देन आपने जो है अप्लाई करनी है ब्लीच. 7 हर्बल की गोल्ड ब्लीच आपने लेनी है एक प्लेट में, जितने आपके फेस को रिक्वायर्ड हो उतनी ही ब्लीच आपने लेनी है. देन उसके बाद आपने जो है एक्टिवेटर ऐड करना है. एक्टिवेटर आपने जो है 1/4 एक्टिवेटर लेना है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप उससे कम लेंगी, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपने इतना ही हद तक लेना है. देन इनको मिलाना है अच्छे तरीके से. देन पूरे फेस पर आपने अप्लाई करना है. अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद आपने 15 मिनट तक वेट करना है. 15 मिनट के बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है. अगर आपके एक्नी, एक्टिव पिंपल होंगे तो वो इससे बैठ जाएंगे. तो अगर आपको पिंपल हुए हुए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है. इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं 7 हर्बल की उपटन. हमें जो है उपटन पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेनी है. देन हम करेंगे मसाज. इसमें जो है मसाजिंग एलिमेंट के साथ साथ स्क्रबिंग और पॉलिशिंग वाले एलिमेंट भी है जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं. तो आपने जो है 5 से 10 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, ताकि आपको जो है स्किन के सारे मसले मसाले से निजात मिल सके. देन इस मसाज के बाद आप जो है अपना वाइट हेड और ब्लैक हेड भी रिमूव कर सकते हैं ब्लैक हेड स्टिक के साथ. सो या मसाज करने के बाद आपने जो है फिर अपने फेस को वॉश कर लेना है. देन उसके बाद लास्ट में हम जो है इस उपटन का ही मास्क अप्लाई करेंगे. अच्छे से पूरे फेस पर आपने जो है हमारी 7 हर्बल की उपटन अप्लाई कर लेनी है. देन हमने जो है 15 से 20 मिनट तक वेट करना है, जब तक हमारी उपटन सूख ना जाए. जब ये सूख जाएगी तो हमने जो है मसाज करके इसको उतार लेना है हाथों से. अगर आपको मुश्किल हो रही है ड्राई उपटन को उतारने में तो आप जो है इसको पानी से वॉश कर सकते हो. Go.
और इसी तरह आपका जो है 3-step facial कंप्लीट हो गया. टाडा. You can see the results, guys. Wallah Habibi, very nice, clean and very radiant. My face is looking. So friends, जैसे कि हमने देखा कि एक ही बारी के फेशियल से मुझे कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मेरी स्किन कितनी ग्लोई और जो है कितनी रेडियंट और हेल्दी लग रही है. अगर हम रेगुलर बेसिस पर इसको इसी तरह से ट्राई करते रहेंगे तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. वीक में आप एक दफा इस तरह का फेशियल कर सकती हैं, अगर वीक में नहीं तो कम अज कम 15 दिन के बाद तो आपने लास्ट नहीं करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स. और जिनकी शादियां हो रही हैं ईद के बाद, जिन दुल्हनों की शादी है वो ये जो है फेशियल घर पे ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे. जितने भी डार्क एरियाज हैं, स्टबन डार्क एरियाज जहां से आप जो है बहुत आ गई हैं कि यार इतने सेंसिटिव एरियाज हैं, डार्क एरियाज हैं, लेकिन वो जो है लाइटन नहीं होते, तो इसको अप्लाई करने से वो जो है लाइटन हो जाएंगे. तो आपने हर जगह इसको अप्लाई कर लेना है क्योंकि ऑब्वियसली ईद भी आ रही है, तो ईद की तैयारियों में आपने अपनी स्किन को नहीं भूलना है, अच्छे से इसका ख्याल रखना है. और अगर आपकी शादी हो रही है, चाहे आप लड़के ही क्यों ना हो, दूल्हे भाइयों, आपने भी इसको ट्राई करना है ताकि आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सके. सो ये प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप कर ली वहां से देख लीजिएगा. दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे, इवन 7 हर्बल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं. सो यस, आज वीडियो में यही था, ये मुझे आपके साथ शेयर करना था. वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये फैशन ट्राई करके मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. दैट्स मी, मैं कादरी, सिंगल ऑफ थ्री, और दुआ में याद रखिएगा. बाय बाय.